हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज आपके सामने प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में सरल से सरल शब्दों में पढ़ाने का प्रयास आपको मैं करूंगा। प्लेटो का जो आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है, इस पर मध्य प्रदेश पीएससी में चौथा पेपर और इसके अलावा नेट एग्ज़ाम और स्लेट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुतायास से आते ही हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से समझने का मैं प्रयास आज आपके सामने कर रहा हूँ। प्लेटो जो था, यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करता था। यूनान जो कि तीसरी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की जो बात है, उस समय यूनान में उनके जो गुरु थे सुकरात, वो जो थे दरबारियों के षड्यंत्र का शिकार हो गए थे। अर्थात दरबारियों ने उन्हें षड्यंत्र के तहत मुकदमा उनके ऊपर चलाया और जहर पीने पर विवश किया। अर्थात यूनान में उस समय अनैतिकता का बोलबाला था, अराजकता का बोलबाला था, ईर्ष्या फैली हुई थी चारों ओर, द्वेष का वातावरण था, भ्रष्टाचार था चारों ओर, दरबारी षड्यंत्र हुआ करते थे राजा के खिलाफ। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में प्लेटो का जन्म हुआ है और उसके गुरु को उसकी आंखों के सामने जहर का प्याला पीना पड़ा है। तो प्लेटो ऐसा सोचता था, यूनान में ऐसी स्थिति आखिर क्यों निर्मित हुई है? आखिर यूनान जो कि कभी बहुत ही समृद्धशाली माना जाता था, आज इस दौर से क्यों गुजर रहा है? तो ऐसी क्या कमी है जिसके कारण आज जो यूरोप यूनान के जो नगर राज्य हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और लोग एक दूसरे को अराजकता की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से एक दूसरे को देख रहे हैं? तो इन विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए एक सिद्धांत प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसने उसे प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत नाम दिया। उसमें आदर्श राज्य में सबसे पहली अवधारणा होती है न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा यह होती है कि प्लेटो ने न्याय को बाह्य रूप ना मानकर एक आंतरिक गुण माना है, अर्थात आत्मा का गुण माना है। उसने माना है कि जिस प्रकार मस्तिष्क होता है, हृदय होता है और पेट होता है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा में ये तीन कैरेक्टर होते हैं। अर्थात उसका जो मस्तिष्क होता है उसमें विवेक का निवास होता है, उसका जो हृदय होता है उसमें शौर्य निवास करता है या बल निवास करता है, और उसका जो पेट होता है उसमें भूख या वासना रहती है। इस आधार पर ही उसने तत्कालीन समाज का वर्गीकरण किया है। उसने बोला कि ऐसे व्यक्ति, और सभी व्यक्ति की बात कर रहा है, कि सभी व्यक्ति में ये तीन कैरेक्टर होते हैं। अर्थात किसी के मस्तिष्क में जो है विवेक की प्रधानता होती है, किसी के हृदय में शौर्य की प्रधानता होती है, और किसी के पेट में भूख या वासना ज़्यादा होती है। अर्थात तीनों कैरेक्टर जो हैं प्रत्येक व्यक्ति में कम या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति में जिस कैरेक्टर की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी के अनुरूप वो व्यक्ति आगे चलकर बन जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में विवेक की मात्रा ज़्यादा है, तो आगे चलकर वह दार्शनिक या राजा बनेगा, ऐसा निश्चित है। और जिस व्यक्ति के हृदय में शौर्य की मात्रा ज़्यादा है या कलेजे में बल ज़्यादा है, तो वो सैनिक बनेगा आगे जाके। और जिसके पेट में भूख ज़्यादा है या वासना ज़्यादा है, तो वो आगे चलकर व्यापारी बनेगा। ऐसा प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत में न्याय के विषय में बताया। अब ये सवाल उठता है कि ये जो तत्व की जो मात्रा बताई कि हर व्यक्ति में ये तत्व विद्यमान होता है, विवेक, शौर्य, भूख और वासना, ये डिसाइड आखिर कैसे होगा? आखिर कैसे पता पड़ेगा व्यक्ति को कि उस व्यक्ति में इस तत्व की ज़्यादा क्या है, प्रधानता है, और कैसे मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा? इसको बताने के लिए प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत दिया। अर्थात शिक्षा ये बताएगी व्यक्ति को कि उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक है या किस तत्व की उसमें प्रधानता है। यदि व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है तो वह दार्शनिक बनेगा, यदि व्यक्ति में शौर्य की प्रधानता है तो वह सैनिक बनेगा, यदि व्यक्ति में भूख या वासना की प्रधानता है तो वह व्यापारी या कृषक बनेगा। तो आखिर ये बताएगा कौन उसे, ये वो कहाँ पता लगेगा उसे इन सब चीज़ों के बारे में? तो वो सब ज्ञान उसे प्राप्त होगा शिक्षा के माध्यम से। अब शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? तो प्लेटो ने बोला कि राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अर्थात राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा होगी। अर्थात राज्य क्या करेगा, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करेगा और वहाँ पर
मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए वो कार्य करेगा, और अंत में जाकर व्यक्ति को पता चलेगा कि उसमें कौन सा तत्व जो है ज़्यादा विद्यमान है, और उस हिसाब से वो व्यक्ति अपना कार्य समाज में रहकर करेगा। तो समाज में इस हिसाब से मुख्यतः तीन वर्ग आगे जाकर बन जाएंगे। एक जो वर्ग बनेगा वो दार्शनिकों का बनेगा, जिनमें विवेक की प्रधानता होगी। एक जो वर्ग बनेगा जिनमें शौर्य की प्रधानता होगी, अर्थात सैनिक बनेंगे। और एक जो वर्ग है अर्थात जिसमें भूख और वासना रहेगी, वो व्यापारी बनेंगे। तो इसके लिए शिक्षा ने जो एक प्रारूप बनाया है शिक्षा की योजना का, वो उसकी सबसे बड़ी एक विसंगति बोल सकते हैं ये है कि वो सिर्फ अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। अभिभावक वर्ग क्या होते हैं प्लेटो के अनुसार? तो अभिभावक वर्ग वह होते हैं जो कि दार्शनिक होते हैं और सैनिक होते हैं। व्यापारी को उसने अभिभावक वर्ग नहीं माना है, अर्थात उसकी जो ये शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ अभिभावक वर्ग पर लागू होती है। व्यापारी को किसी तरह की शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसने ऐसा बोला है। उसका काम सिर्फ क्या करना है? उत्पादन करना है, और समाज के सभी वर्गों की भूख को क्या करना है? शांत करना है। अर्थात शिक्षा प्लेटो की जो शिक्षा है वो सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए, पहली विशेषता इसकी ये है। और प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की दूसरी विशेषता यह है कि ये स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों के लिए समान अवसर पैदा करती है। अर्थात यूनान में उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा निम्न थी, किंतु प्लेटो ने शिक्षा के सिद्धांत में यह बोला है कि स्त्री और पुरुषों को समकक्ष क्या होना चाहिए, शिक्षा के अधिकार मिलना चाहिए। अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से शिक्षा में क्या होना चाहिए? भागीदार होना चाहिए। इस आधार पर उसने एक अपना शिक्षा का प्रारूप प्रस्तुत किया। उसने देखा कि तत्कालीन यूनान में जो है दो नगर राज्य थे, एक था एथेंस और एक था स्पार्टा। एथेंस में उसने देखा कि एथेंस में जो शिक्षा होती है वो मानसिक शिक्षा पर जोर देते हैं, अर्थात तर्क शक्ति, ज्ञान, साहित्य, कला, ये यहाँ पर एथेंस में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में नागरिकों को प्रदान किया जाता था। और स्पार्टा की जो शिक्षा थी वो शारीरिक शिक्षा थी, वो सैनिक बनाती थी। तो ये दोनों शिक्षा प्रणाली नगर राज्यों की अलग अलग थी, और ये दोनों ही राज्य आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। तो प्लेटो ने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों नगर राज्यों की शिक्षा को सम्मिलित रूप से एक कर लूँ, अर्थात एक से मानसिक शक्ति ले लूँ और एक से शारीरिक शक्ति ले लूँ, और दोनों का सम्मिलन करके एक नई शिक्षा प्रणाली को क्या करूँ? जागृत करूँ। इसी को आधार बनाकर उसने अपना ये सिद्धांत दिया, और अपनी उसने शिक्षा पद्धति को दो भागों में बांटा। उसने एक भाग बोला कि सैद्धांतिक शिक्षा रहेगी, और एक भाग बोला उसने कि व्यक्ति की व्यवहारिक शिक्षा रहेगी। और ये टोटल शिक्षा उसकी चलेगी 50 वर्ष तक, वो चलेगी जीवन से लेकर जब बच्चे का जन्म होगा, जन्म से लेकर 50 वर्ष तक वो शिक्षा प्राप्त करता रहेगा। उसके बाद जाके उसमें राजा बनने के या दार्शनिक बनने के गुण पैदा होंगे। तो उसने अपनी सैद्धांतिक शिक्षा 0 से 35 वर्ष बताई है, और व्यवहारिक शिक्षा को 35 से 50 वर्ष के बीच में बताया। और उसकी जो सैद्धांतिक शिक्षा है उसने पुनः इसको दो भागों में बांटा है, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब हम समझते हैं कि इसकी प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार बटी हुई है। तो उसने बोला है कि बच्चे के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक उसे प्राथमिक शिक्षा के माध्यम में, कहानियों के माध्यम से उसे शिक्षा दी जाएगी। अर्थात 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को सिर्फ कहानियाँ सुनाई जाएंगी। उन कहानियों के माध्यम से उसका क्या होगा? नैतिक विकास होगा, अर्थात उसे नैतिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर 6 से 18 वर्ष तक का जो व्यक्ति होगा या बालक होगा या किशोर होगा, उसे संगीत और व्यायाम और अक्षर ज्ञान दिया जाएगा। संगीत क्यों दिया जाएगा? क्योंकि संगीत व्यक्ति के जीवन में स्फूर्ति लाता है। जब व्यक्ति जीवन से हताश हो जाता है तो संगीत के माध्यम से वो ऊर्जा को क्या करता है? प्राप्त करता है। और व्यायाम के माध्यम से शरीर का शारीरिक विकास होता है, इसलिए उसने व्यायाम को एक महत्वपूर्ण गुण माना 6 से 18 वर्ष में। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण उसने माना अक्षर ज्ञान, अर्थात अक्षर ज्ञान 6 से 18 वर्ष में जरूरी है। फिर इसका प्राथमिक शिक्षा का जो तीसरा पड़ाव है वो 18 से 20 वर्ष के बीच में आता है, जिसमें उसने सैनिक शिक्षा पर बल दिया। अर्थात उसने बोला कि जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 साल तक शिक्षा प्राप्त की है, संगीत की, व्यायाम की, अक्षर ज्ञान की और नैतिक शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें अनिवार्य रूप से 18 से 20 वर्ष की आयु में उच्च सैनिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात सभी व्यक्ति के लिए सैनिक शिक्षा क्या कर दी गई? 18 से 20 वर्ष के लिए अनिवार्य कर दी गई। फिर 20 वर्ष की आयु में एक परीक्षा का आयोजन किया गया,
किया जाएगा व्यक्ति का। परीक्षा अर्थात एक रिटर्न टेस्ट होगा, उस रिटर्न टेस्ट में ये सभी व्यक्ति बैठेंगे और जो व्यक्ति इस रिटर्न टेस्ट को पास कर लेंगे वो उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अर्थात वो उच्च शिक्षा के लिए आवेदन आगे कर सकते हैं, और जो लोग फेल हो जाएंगे वो लोग सैनिक बन जाएंगे। अर्थात ये जो पहली परीक्षा है 20 वर्ष की आयु में, इस परीक्षा को पास करने पर व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, और जो व्यक्ति फेल हो जाएंगे वो सैनिक बन जाएंगे, वो फिर सैनिक का काम करेंगे। तो ये पहला पड़ाव जो है प्रारंभिक शिक्षा का यहाँ पर समाप्त होता है प्लेटो की। फिर व्यक्ति जो उच्च शिक्षा के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो 20 से 30 वर्ष की आयु में विज्ञान और गणित विषय को पढ़ेंगे। विज्ञान से उसे सत्यता का आभास होगा, क्योंकि विज्ञान प्रयोगों के माध्यम से किसी भी वस्तु को क्या करता है, जानने का प्रयास करता है, और गणित में विशेष रूप से तर्कशास्त्र, ज्यामिति, अंकगणित, इनका ज्ञान व्यक्ति को कराया जाएगा। फिर 30 वर्ष की आयु में फिर पुनः एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात व्यक्ति आगे 30 से 35 वर्ष की जो शिक्षा होने वाली दर्शन शास्त्र की उसमें भाग ले सकेगा, और 30 वर्ष की परीक्षा में जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हें सेना के उच्च पदों पर विराजित कर दिया जाएगा, अर्थात उसे सेनापति भी बना सकते हैं। तो ये 30 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति उत्तीर्ण होंगे वो तो उच्च शिक्षा के लिए दर्शन शास्त्र की तो ओर जाएंगे, और जो अनुत्तीर्ण होंगे वो सेना में उच्च पद को क्या करेंगे, प्राप्त होंगे। फिर ये जो सबसे महत्वपूर्ण आता है उच्च शिक्षा में, 30 से 35 वर्ष का समय दर्शन शास्त्र की शिक्षा। दर्शन शास्त्र ये सिखाता है सही और गलत का आभास कराता है, सही और गलत का आभास व्यक्ति को दर्शन शास्त्र का यदि ज्ञान है तो होता है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या नश्वर है, क्या अनश्वर है, क्या नर है, क्या नारायण है, ये सब चीज़ों का ज्ञान, मन, बुद्धि, चेतना, विकास, तर्क, ये सब चीज़ों का ज्ञान उसे कहाँ से प्राप्त होगा, दर्शन शास्त्र के माध्यम से उसे ज्ञात होगा। तो अगले 5 साल वो दर्शन शास्त्र के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा और सत्य की खोज करेगा और सत्य और असत्य के बारे में पता लगाएगा। 35 वर्ष के बाद उसकी जाके उच्च शिक्षा जो है पढ़ाई वाली जो है समाप्त हो जाती। इसके बाद फिर व्यक्ति 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करता है, अर्थात जो उसने 35 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त किया है, प्लेटो बोलता है, फिर वो 15 वर्ष तक शासन और प्रशासन में विभिन्न पदों पर रहकर इस ज्ञान का उपयोग करता है और उसका व्यवहारिक उपयोग जानने की कोशिश करता है, अर्थात ये जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है पिछले 35 वर्ष में शासन और प्रशासन के विभिन्न पदों पर जाकर उनका वो उपयोग करता है। अब 50 वर्ष की आयु जब वो व्यक्ति पूर्ण कर लेता है 15 वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्य करने के पश्चात, तो फिर वो व्यक्ति दार्शनिक राजा बनता है, या राजा तो एक ही बनेगा, तो आगे जो व्यक्ति रहेंगे वो कैसे कहलाएंगे, दार्शनिक कहलाएंगे या दार्शनिक राजा कहलाएंगे। और ये जो दार्शनिक रहेंगे यही व्यक्ति जो है शासन और प्रशासन में फिर उच्च पदों पर क्या होंगे, काबिज होंगे। तो ये है एक प्लेटो की शिक्षा योजना। इस शिक्षा योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो जैसे मैंने बताई कि स्त्रियों के लिए शिक्षा है, इसकी एक विसंगति यह मानी जा सकती है कि ये विसंगति यह है कि ये शिक्षा व्यापारी जो वर्ग है उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देती है। और इस शिक्षा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेष कमी यह है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लंबी है, अर्थात व्यक्ति का 50 साल का जीवन शिक्षा प्राप्त करने में ही क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। लेकिन ये शिक्षा जो है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करती है मानव का, और वर्तमान शिक्षा प्रणाली से मिलती जुलती है। जैसे ये प्राइमरी एजुकेशन आज भी मॉरल साइंस जो है पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो है ये संगीत का, व्यायाम का, अक्षर ज्ञान 6 से 18 वर्ष के व्यक्ति बच्चों में होता ही है। एक सैनिक शिक्षा है जो एडिशनल है, जो कि वर्तमान समय में नहीं होती, लेकिन कुछ देशों में सैनिक शिक्षा दी जाती है। फिर उसके बाद ये परीक्षा होती है, फिर व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए जाता है, जैसे MPhil PhD, उसी तरीके से उच्च शिक्षा है। सिर्फ देखा जाए तो प्लेटो की उसमें एक खामी यह है और कही जा सकती है कि इसमें साहित्य और कला के बारे में कोई बात नहीं कही गई। तो इसकी 3 खामियाँ नज़र आती हैं कि साहित्य और कला पर ये बात नहीं करता है, एक ये लंबी है, इसके अलावा जो व्यापारिक वर्ग है उसकी शिक्षा की ये बात नहीं करता। और विशेषताओं में तो ये विशेष शिक्षा प्रणाली बहुत ही यूनिक है, स्पेसिफिक है, अर्थात आज से 2300 साल पहले
आज से 2300 साल पहले प्लेटो ने जो योजना बनाई थी शिक्षा की, वो कुछ इसी तरह की शिक्षा आज भी प्रचलन में है। तो प्लेटो का ये चिंतन इस वजह से आया था कि तत्कालीन समाज में व्याप्त अराजकता को वो मिटाना चाहता था। और वो मिट किसके द्वारा जाएगी? वह आदर्श राज्य की परिकल्पना के द्वारा मिटेगी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी वो क्या रहेगा? वो न्याय रहेगा, शिक्षा रहेगी, साम्यवाद रहेगा, वो चौथा दार्शनिक राजा रहेगा। तो आज मैंने आपको शिक्षा के बारे में और कुछ उसकी आउटलाइन न्याय के बारे में आपको बताई। अगला जो वीडियो रहेगा मेरा वो न्याय पर रहेगा, साम्यवाद पर रहेगा, दार्शनिक राजा के संबंध में रहेगा। तो मैंने प्रयास किया है कि सरल से सरल शब्दों में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को मैं आपको समझा सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप इसे बता सकते हैं। धन्यवाद।